फैराडेज़ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज़ सेकेंड लॉ ऑफ EMI के अकॉर्डिंगली EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। पहला लॉ ये बताता था कि EMF जनरेट होगी और कब नहीं होगी, सेकेंड लॉ ये बताता है कितनी EMF जनरेट होगी। तो कितनी EMF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, EMF जनरेटेड या इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू d∅ by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट 1 लगता है और EMF की वैल्यू क्या आती है, माइनस d∅ by dt। अब ये टर्म माइनस क्यों आया, देखने वाली बात है। ठीक, माइनस साइन आपको डायरेक्शन बताता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, किस डायरेक्शन में करंट या EMF जनरेट होगी, इसकी डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। पर आपको ये वैल्यू समझ में आई, इज इक्वल टू माइनस d∅ by dt। ये आपका फैराडे सेकेंड लॉ क्या बताता है कि वैल्यू ऑफ EMF क्या होगी, फैराडे सेकेंड लॉ आपको बताता है। अब इसका एग्जांपल है, अगर आप एक कॉइल के पास मैग्नेट तेज़ लेके आ रहे हैं तो इसका फ्लक्स कॉइल का जल्दी चेंज कर रहे हैं, टाइम जितना कम लोगे पास लाने में फ्लक्स उतना जल्दी चेंज होगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है टाइम जितना कम लोगे EMF उतनी ज़्यादा होगी, टाइम जितना कम होगा EMF उतनी ज़्यादा होगी। तो फ्लक्स का चेंज ज़्यादा हो या टाइम कम हो, EMF हर हालत में ज़्यादा होगी। तो जैसे मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा कॉइल है, बड़ा कॉइल है तो एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, तो उसका फ्लक्स बड़ा होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होगा, BA cos θ, बी बड़ा है, एरिया बड़ा है, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो EMF ज़्यादा होगी। पर मान लो आपके पास कॉइल बड़ा नहीं है, कॉइल छोटा है आपके पास, पर आप EMF ज़्यादा चाहते हो, तो आप उसी कॉइल को तेज़ घुमाना शुरू कर दो। क्यों, क्योंकि फ्लक्स तो ज़्यादा कर नहीं पाए, चेंज ज़्यादा कर पाओगे अगर टाइम टेकन क्या रहोगे, कम, टाइम कम होगा तो EMF उतनी ज़्यादा होगी। तो छोटी टर्बाइन लगाओ, छोटी कॉइल लो, लेकिन तेज़ घुमा दो तो भी EMF की वैल्यू ज़्यादा कैन बी जनरेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये फैराडेज़ का आपका सेकेंड लॉ है।